मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कल रात को हमने दर्शन किया, आप लोगों के भी कराए, तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। रात को थक गए थे इसलिए हमने टेंट ले लिया था। मैं टेंट दिखा देता हूँ, ये देखो इस टेंट में रुके थे हम चारों बंदे। और देखो पहाड़ पे हल्के हल्के बादल हैं, यहाँ घरों के बीच में ना ये जगह जगह टेंट लगा रखे हैं, तो यहाँ टेंट में रुके थे। यहाँ लाइट का कनेक्शन था, हमने अपना चार्ज वार्ज कर लिया जो भी सामान था। तो बस अभी यहाँ से निकलते हैं, लेट हो जाएंगे नहीं तो। फ्रेंड्स निकल चुके हैं अपने बोरे बिस्तरे लेके सारे के सारे। चलो भाई, हर हर महादेव। ये देखो भाई लाइन, अब रात को लाइन नहीं थी, अब देखो लाइन। और सामने देखो बर्फ के पहाड़, एक नंबर जबरदस्त। ये देखो कितनी बड़ी लाइन लगी है, लाइन देखो लाइन। हेलो हेलो, पूरा पीछे तक लगी हुई है लाइन। ये देखो भाई यहाँ ओम बना हुआ है, कितना बढ़िया लग रहा है। और पहाड़ देखो रे नजारा, और भीड़ की तो पूछो मत। ये देखो ये ऊपर काल भैरव मंदिर, 4 किलोमीटर है इसकी चढ़ाई। ये देखो ऊपर काल भैरव का मंदिर। ये अभी होटल वगैरह नए बनने लग रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम बहुत चल रहा है भाई यहाँ। ये देखो भाई सामने बर्फ के पहाड़, ये बिल्कुल हरा पहाड़ है, इस पे कोई बर्फ वर्फ नहीं है। और सामने वाले पे देखो बिल्कुल बर्फ, कैसे चमक रही है बर्फ, एक नंबर। ये कैंपिंग साइट है, यहाँ शुंकला कैंप है, ये नंबर है, बुक कर सकते हैं आप पहले ही। भाई भीड़ बहुत है भाई, सुबह शाम को तो कुछ भी नहीं थी भीड़। तो फ्रेंड्स ये देखो हेलीपैड है, एक और दो वो आया रेड कलर का, अभी देखो उतरेगा यहाँ, वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है ब्लू जैकेट वाला। देखो वो आ गया सामने, ये देखो अभी उतरेगा। वो बंदे बैग लेके खड़े हैं, वो अपना बैठेंगे इसमें और चले जाएंगे। ये देखो वो उतर गया, अभी देखो वो बंदे जो आए होंगे वो उतरेंगे, वो सीट बेल्ट हटा रहे हैं उनकी। और ये दूसरे बंदे जो हैं वो जा रहे हैं उसके अंदर। वो देखो हवा बहुत तेज है ठंडी, एक उतरता है एक चला जाता है, एक उतरता है एक चला जाता है। एक और आ गया, वो पीछे वो आ रहा, एक और आ गया हेलीकॉप्टर, वो आ रहा ऊपर पहाड़ के वहाँ से। अब वो शायद दूसरे वाले पे उतरेगा। वो देखो एक ऊपर से वो आ रहा, ये तो हाइट नीचे थी, वो उसकी हाइट ज़्यादा ऊपर है। ये देखो वो आ गए, ये रेड है वो ब्लैक है। दूसरा भी उतर गया, ये देखो। ये यहाँ दो हेलीपैड नहीं है, एक और है पीछे की तरफ है, देखो वो उतर उड़ गया। कहना चाहता हूँ मेहनत करते रहो, वक्त बदलता है, वक्त बदलता है पर वक्त लगता है। अभी रुके हैं चाय पीने के लिए, सुबह सुबह का नाश्ता कर लेते हैं। ये देखो ये हमारी आ गई चाय और पार्ले जी बिस्किट। ये देखो भाई अपने हरियाणा वालों का, करनाल वालों का है। और कहीं भी किसी भी तंबू पे ना अपने इंडिया का झंडा नहीं लगा, देख भाई ने ना तिरंगा झंडा लगा रखा दोनों कोनों पे। भाई साहब सलूट है, हमने यहाँ चाय वाय पी थी अभी, काफी अच्छा लगा भाई, बहुत बढ़िया बंदा था भाई, करनाल का है ये। तो फ्रेंड्स अभी हम रुके हैं यहाँ मैगी खाने के लिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये मस्त जगह है एक नंबर की। देखो आए कहाँ से, वहाँ ऊपर से कम से कम 5-6 किलोमीटर कंटिन्यूसली हम पैदल चल के आए हैं। और ये यहाँ पे ना हेलीपैड की तरह इन्होंने सीमेंट का बना रखा है, यहाँ पे अलग अलग जगह ये मैगी वैगी वाले चाय वाले बैठे हैं अपना। यहाँ कुर्सी वर्सी लगी है, मीठी मीठी बारिश हो रही है, ऊपर पहाड़ पे बादल है, एक नंबर। यहाँ से सामने से हेलीकॉप्टर आता है धड़ 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 करते हुए। मैगी आ गई, पहाड़ों पे मैगी खाने का मजा ही अलग है, ऐसी सामने वादियां हो, बर्फ के पहाड़ हो, वाह भाई वाह, बारिश हो रही हो। Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. There.
could have moved away, but now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? ये काले जी आ गए, काले ये आ गए। हरे हरे महादेव। और सिस्टम पाड़ दे, तने तो घना खींचाया तू थे, हैं? मेरे वाला तो जा भी लिया। लो जी, हमने यहीं से स्टार्ट किया था, इसी गेट से, और आ गए हम 9:30 बजे चले थे, 5 बजे हैं। अब आते हुए जल्दी आ गए, बारिश आ रही है बहुत। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच गए हैं अपनी पार्किंग में। गाड़ी उठाते हैं, निकलते हैं। ये देखो, पूरी भरी हुई है पार्किंग। जब हम आए थे तब तो बिल्कुल खाली थी, पूरी भरी हुई है। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम अपनी गाड़ी लेके निकल चुके हैं। कपड़े वगैरह सब ने चेंज कर लिए, और टाइम दिखा देता हूँ, 7:15 हो गए। 7:15 बजे हम निकल रहे हैं। 1.5 घंटा हमारा यहाँ लग गया। अभी हम बैठ के यहाँ निकल गए। रस्ते में हम डिनर करेंगे। बारिश बहुत ज्यादा होने लग रही है यहाँ। बाकी अपना धीरे धीरे चलेंगे, कहीं अगर रस्ते में नींद आएगी तो गाड़ी रोक लेंगे। तो मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। ये यूके राइडर की गाड़ी खड़ी है भाई यहाँ। वो कल वहाँ गया हुआ था। ये देखो, यूके राइडर की भी जाम लग गया। 15-20 मिनट से हम एक ही जगह खड़े हैं। 8:44 हो गए, और वो देखो सामने ना लाइन लगी हुई है गाड़ियों की। पता नहीं क्या लैंडस्लाइड हुआ है या क्या हुआ है। 15-20 मिनट से यहीं एक ही जगह खड़े हैं। गाड़ी बंद करके अपनी देखते हैं कब तक यहाँ से निकलेंगे। गाइस, दो बसों ने ना सिस्टम हैंग कर दिया। एक नीचे से जो ऊपर आ रही थी और ऊपर से नीचे जा रही थी ना, आपस में भिड़ गए ना। वो पीछे कर रहा ना ये इधर वाला पीछे कर रहा है, उसके चक्कर में यहाँ जाम लगा दिया। ये देख लो फ्रेंड्स, 9:15 होने वाले हैं और अभी तक गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी है। अभी देखो फ्रेंड्स, ये सामने से बस आई है, दो बस आ गई, ये गाड़ी एक और आ गई, और पूरा 1 घंटा हो गया हमें एक ही जगह खड़े खड़े। देखो, ये एक बस और गई, ये देखो कितनी बस आ रही है। ये चौथी बस गई है, ये पांचवी बस आ गई, लो छठी बस, लाइन लगी हुई है बसों की। लो भाई, फाइनली चल पड़ी। देखो यहाँ ये लैंड स्लाइड हो रहा है, यहीं रुके हुए थे सारे के सारे। देखो कितना कट था, छोटा सा कट था, इसी के चक्कर में देखो 1 घंटा लग गया है। तो ये फेर रुक गई थोड़ी सी आगे, 100 मीटर आते ही ये फेर जाम लग गया भाई यार। ये देखो फ्रेंड्स, कितना ट्रैफिक है राइट साइड में। ये देखो कितनी बस है, पूरी लाइन लगी है। लास्ट 1 किलोमीटर से है ना लाइन में खड़े हैं बंदे। देखो ये देखो 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 देखो, वाह यार, बारिश आ रही है बहुत तगड़ी भाई। जो केदारनाथ आ रहा है थोड़ा ध्यान से आना, लैंडस्लाइड है रास्ते में बहुत ज्यादा। ये देखो जहां तक नजर जाएगी ना, वहां तक लाइन ही लगी हुई है बसों की। बस बहुत ज्यादा है भाई। लो जी, डिनर करने के लिए रुके हैं अभी हम। ये देखो, भूखे नंगे पहले ही खाने लग गए। तो फ्रेंड्स, अभी रुके हैं CNG डलवाने के लिए। हरिद्वार पहुंच गए हम, और टाइम देख लो, 3:23 हो गए। तो अभी लाइन लगी हुई है, अभी नंबर आएगा हमारा, ये इको आगे चली जाएगी। तो फाइनली गाइस, हम पहुंच गए हैं बाजोगढ़। ये हमारा बाजोगढ़ वाला टोल है। तो इसी पेट्रोल पंप से हमने CNG जाते हुए और पेट्रोल फुल कराया था। CNG तो फुल करवा ली हमने, अब पेट्रोल और करवा रहे हैं। 1900 का आ गया तेल। तो गाइज, हम फाइनली पहुंच गए अपने घर, और आज आपके भाई का बर्थडे है। और ये देखो, बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए ये सारे बैलून लगा रखे हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच। तो ब्रेकफास्ट में हमारा दूध और पोहा आ चुका है।